मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि करप्शन या नाजायज़ ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियाँ रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। की पकड़ है, ये हमने तो नहीं पैनामा का इंकशाफ किया, ये अल्लाह की तरफ से हुआ इंटरनेशनल इंकशाफ, उसमें ये फंस गए, नहीं तो कोई इनको पकड़ ही नहीं सकता था। आप मुझे ये बताएं कि अगर पैनामा में ना होता तो हम क्या करते, इनके ऊपर तो ट्रायल ही नहीं होनी थी, सारा इदारे इनके हैं। चाहता हूं, ये इन तमाम सियासतदानों को कहना चाहता हूं, इस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा। रोक सकते हो तो रोक लो नवाज शरीफ को, वरना रोक लो नवाज शरीफ को। मेरे भाइयों, ये जो फैसला नवाज शरीफ की नाअहली का जो आया है, आप इससे मुत्तफिक हो? जो मुत्तफिक है तेरा हाथ खड़ा करें, जो इस फैसले को मानते हैं कि दुरुस्त फैसला है हाथ खड़ा करें। करप्ट लोगों में भी मुख्तलिफ दर्जात हैं, कोई बहुत ज्यादा करप्ट है, कोई दरमियाना करप्ट है, कोई जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करप्ट है, कभी आप देखिएगा, मनहूस चेहरे होते हैं, मनहूस चेहरे पे नहुसत टपक रही होती है, अल्लाह की लानत उनके चेहरों पर मौजूद होती है, जो नजर आते हैं कि ये कोई बहुत ही बड़ा करप्ट आदमी है। कभी गौर कीजिए इस बात पे। और अफसोस जब होता है जब मैं देखता हूँ कि जनाब कई एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े करप्शन के मैदान मारे हैं, लेकिन बहुत सीना तान के चलते हैं जनाब के, वो तो बड़े सोटिया सरदार हैं, वो तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, उनसे ज्यादा तो मुल्क का हमदर्दी नहीं है। बहरहाल अब बहुत वक्त गुजर गया, अब मैं आपको बता दूं, बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अब वो वक्त आ रहा है। ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरती तरह से उठा है, और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामला उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे, ये बात मेरी याद रखिएगा।